मुमरा पनवेल हाईवे पर एक अलीशान गजाली ढाबा है, जहां आप फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिता सकते हैं। और आपको यहां लाजवाब औधी, टर्किश, अरेबियन क्यूजिन, साथ ही स्पेशल डिश में पाए थाल प्लेटर खप्चा, वाइड रेंज ऑफ बेवरेज, यूनिक सीटिंग अरेंजमेंट फॉर ऑल, किड्स प्ले एरिया, किड्स राइड्स और एम्पल्स ऑफ पार्किंग। साथ ही आप वेडिंग और बर्थडे पार्टी के लिए भी बुक कर सकते हैं। तो आज ही आए गजाली फैमिली ढाबा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के कौसा में मेघना ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की घटना सामने आई है। चोरी की घटना को अंजाम दो बुरखाधारी महिलाओं ने दिया है और इनके साथ में एक छोटी लड़की भी थी, यानी कि तीन लोग थे। बुरखा पहनी महिलाओं ने करीब 5,79,120 रुपये कीमत के कान के 72 जोड़ी टप्स चोरी कर लिया है। चोरी की घटना को कैसे अंजाम दिया है, ज़रा गौर से देखिए। टेबल पर दो बॉक्स रखा हुआ है और ये महिला एक बॉक्स हटाकर उसके ऊपर ज्वेलरी का एक बड़ा बॉक्स लाती है और उसी के सहारे छोटा बॉक्स जो है वो बुरखे में रख लेती है। मेघना ज्वेलर्स के मालिक ललित कुमार ने बताया कि कल शाम के वक्त दो बुरखा पहनी महिलाएं और उनके साथ में एक छोटी लड़की गहने खरीदने के लिए उनके दुकान में आए थे। और जैसे कि आप सीसीटीवी में देख सकते हैं कि दुकानदार को दोनों महिलाएं गहने देखने में उलझाने की कोशिश में लगी हुई हैं। छोटी बच्ची के कान का टप्स देखने के लिए कई बॉक्स ये दोनों महिलाएं निकलवाती हैं। हालांकि दुकानदार बॉक्स कई बार रखने की कोशिश भी करता है, मगर ये महिलाएं उसे रखने से मना कर देती हैं। उससे कहती हैं कि मत रखिए, अभी और इनमें देखना है। और आखिरकार दुकानदार को दोनों महिलाएं उलझा देती हैं। ध्यान से देखिए कि महिला दो बॉक्स में से एक बॉक्स उठाकर उसके ऊपर ज्वेलरी का एक दूसरा बड़ा बॉक्स कर देती है और बड़े बॉक्स के सहारे ज्वेलरी का जो छोटा बॉक्स है वो टेबल के ऊपर से नीचे बुरखे में ले लेती है। इन शातिर चोरियों ने घटना को अंजाम दिया और बिना कुछ खरीदी किए ही वहाँ दुकान से ये बाहर चली जाती है। बाद में दुकानदार को शक हुआ कि 3 से 4 बॉक्स थे, जिनमें से एक बॉक्स गायब है। सीसीटीवी चेक करने पर ये दोनों महिलाएं घटना को अंजाम देती हुई दिखाई दी, जिनके साथ में एक छोटी बच्ची भी थी। जो बॉक्स दोनों महिलाओं ने चुराया है उनमें कान के 72 जोड़ी टप्स थे, जिनका वजन 147 ग्राम था और कीमत 5,79,120 रुपये बताई जा रही है। हर दुकानदार को ऐसे चोरियों से बेहद ही सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर सामान खरीदी करने के बहाने दुकानदार को उलझाने की कोशिश कोई भी करता है तो दुकानदार को होशियार हो जाना चाहिए। बहरहाल ललित कुमार ने इस चोरी की घटना की शिकायत मुमरा पुलिस स्टेशन में की है और मुमरा पुलिस ने 380/34 के तहत FIR दर्ज कर इस पूरे मामले की आगे जाँच पड़ताल शुरू कर दी। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम ललित कुमार संपतलाल जैन है। आपके दुकान में चोरी की घटना हुई है, सीसीटीवी फुटेज भी आपके पास है। हाँ सर। कितने का सामान चोरी हुआ और कितने लोग थे दरअसल? दो लेडीज और एक बच्ची थी। 5:15 में हमारी दुकान में आए थे, उन्होंने बच्चे के टप्स देखे और बड़े टप्स भी देखे। उन्होंने थोड़ा सा मतलब अव्यवस्थित करके हमको हमारा एक बॉक्स उन्होंने अपने अंदर डाल दिया और बच्ची थी और दो लेडीज थी, बच्ची का चेहरा पूरा साफ दिख रहा है उनको कैमरे में, सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है। हाँ, दो नकाबपोश है और एक उनके साथ में बच्ची है, यानी टोटल तीन लोग थे सर। तो कितने का ये जेवर जो है? ये 147 ग्राम वजन है और लगभग करीबन 5,89,240 रुपये का गहना है। पुलिस में आपने कंप्लेंट वगैरह? पुलिस में हमने कंप्लेंट कर दी है रात को और पुलिस वाले का उनका चालू है, उन्होंने आश्वासन दिया हम लोग ढूंढेंगे जल्द से जल्द। अच्छा, जिस तरह से चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है और जैसे चोरी हो जा रही है, दुकानदार को किसी न किसी चीज़ में उलझा कर और ऐसी घटनाएं हो रही है, तो लोगों को सतर्क रहने के लिए क्या कहेंगे? लोगों को सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की घटना होने के बाद में व्यापारी लोग डर जाते हैं, वो पुलिस पास नहीं जाते हैं और दुकान पर ही अपना आश्वासन करके बैठ जाते हैं, मिलेगा होएगा। हम लोग आश्वासन नहीं किया, हम पुलिस तक गए और इस केस की हम लोग तहकीकात करना चाहते हैं कि हमारे साथ क्यों हुआ है और कैसे हुआ है।